ऐसे हम 575 के करीब पहुंच चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आज डे 5 हम्पी में है। आज कुछ ज़्यादा एडवेंचरस होने जा रहा है। अब हम पहुँचे हैं हम्पी में। ये है अंजना पर्वत, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान जी। सो ये जगह का एक खासियत ये है कि यहाँ पे चढ़ने के लिए आपको पूरा एक स्टेप्स आपको दिखाई देगा, जो करीब करीब 575 स्टेप्स है। टोटल 575 स्टेप्स है। चालू किया हुआ है, आप बजा 625, देखते कितना टाइम लगता है ऊपर चढ़ने। जितना सुना है उसके हिसाब से ज़्यादा तकलीफ नहीं है सब चढ़ने में, देखते हैं। काल रंग नहीं लग रहा है। फोर 25 स्टेप्स से मिल जाएगा। फोटो चाहिए। ये 550 किधर हटा, हट जा। ऐसे हम 575 के करीब पहुंच चुके हैं। ताकत तो बचा नहीं है, मगर हाउ्स द जोश बॉयज, नो जोश। 550 पे खड़े हैं, 25 स्टेप्स और बाकी है। वैसे हम पहुंच चुके 640 के रेंज में हम पहुंचे। हाँ, 575 स्टेप्स के बाद भी एक करीब 10 स्टेप है वो करके हम पहुंचे। तो सनराइज हो चुका था, मगर ये जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मंकी रॉबिन, लेनी होगी।
वैसे जितना सोचा उतना मुश्किल नहीं था। हम लोग चढ़ गए 575 स्टेप्स और करीब एक घंटा हम लोग वहाँ पे बैठे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा क्लाइमेट, बहुत अच्छा था। सनराइज के बाद वहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। अब हम लोग रिटर्न स्टेप्स उतर रहे। जितना सोचा उतना मुश्किल नहीं है। एक आधा जगह पे हमारा मैं भी टाइम लैप्स के रखा था, मंकी हमारा कैमरा उठाने के लिए आ गया, नसीब से बच गया। और ऐसे हम अब करीब 100 स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। स्पेशल वॉक बाय मिस्टर लेनॉय लेस्ली। हाँ लेस्ली प्लीज, व्हाट व्हाट इज वॉक। हाँ उन्होंने पूरे 575 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, पैर कांपने लगा है। आज सुबह अंजना पर्वत से उतरने के बाद में हम लोगों ने आज लास्ट डे हम्पी का होने की वजह से हम लोग ने प्लान ये किया था कि एक ना एक दिन होटल छोड़ के लोग कुछ कॉमन लोकेशंस छोड़ के कुछ विलेज स्टाइल जगह पे रहना हम लोग चाह रहे थे। काफ़ी ढूंढा लेकिन कुछ मिला नहीं। तो बाद में हम क्योंकि हम हम्पी में हॉस्पिट में रह रहे थे, तो हॉस्पिट में रहने की वजह से वहाँ पे पूरा होटल्स था। तो फाइनली हम लोग हम्पी से हनुमान अली जो अंजना पर्वत है वहाँ से हम लोग जाने के रास्ते में हमें दिखाई दिया यहाँ पे कैंपिंग एरिया दे करके। तो वैसे हम लोगों ने सर्च किया तो हमें मिला तुटी कैफ़े एंड टेंट करके है। इट इज़ रन बाय अ फॉरेनर। बहुत अच्छा लगा एंड देखो तो जरा कैसा है व्यू यहाँ का। ऐसा टेंट हाउसेस है पूरा यहाँ पे, 2 पीपल ऑक्यूपेंसी और 4 पीपल ऑक्यूपेंसी वाला है। इनका ही कैफ़े है यहाँ पे, इनका ही आपको सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड ज़्यादातर आम का झाड़ है और हमको जो टेंट मिला है वो ये और ये वाला है, ये और ये वाला है। हमको फेयर डील मिला, 1500 में 2 टेंट दिया गया है दो दो जन के लिए। ये है हमारा टेंट और साथ ही में ये भी टेंट है। ये टेंट का व्यू तो देख लो, एंजॉय कर लो। ऐसा डबल ऑक्यूपेंसी वाला टेंट है, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं है। एक साइड फैन है और टेंट है और एक छोटा सा लाइट है। 10 बजे का चेकआउट है। काफ़ी अच्छा बेड है, बेड भी बाम्बू से बनाया हुआ है।